नमस्कार कुकुत लोपा को मुझे पुणि थे स्वागत करुच्ची। आज आम पुरण पोली बनवा पुरण पोली महाराष्ट्र बहुत ही फेमस आ बहुत ही ट्राडिशनल रेसीपी। महाराष्ट्र प्राय सब फेस्टिवल खदे खदे रेसीपी तैयारी थाए चलो एवं पुरण पोली बनवा स्टार्ट करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखु चैनल जदि नुआ आसे गोटे थर पर सब्सक्राइब करके पाखे बेल आइकन प्रेस करनी। पुरण पोली मान कौन? पुरण मान हूँ पुर बा स्टपिंग, पोली मान परटा, पुर दि परटा, परटा भितर जो स्टपिंग दि जाए से बुट डाली या स्टपिंग पुर को बनवाई मुझे 250 ग्राम बुट डाली नहीं डाली को 5 घंटा पाने भिजे नौची। जदि डाली पानी दे भल भाव भिजी थी तेल जिते बड़े आम डाली को सीझेबा डाली बहुत ही भल भाव सीझे 5 घंटा पर डाली फुलिकी डबल साइज हो जाए। डाली को भी मुझे भल भाव धोईकी प्रेसर कुकर दे दीची। डाली को भी आम सीझेबा एवं डाली जी क्वांटिटी अच्छी तर तीन गुण अधिका ए पा दे हाफ चामच लुण दौर प्रेसर कुकर को कभर कर नौची। डाली को मीडियम फ्लेम रे 5टा व्हिसिल आसवाप दौर डाली आम पूरा पूरी भल भाव सीझा दरकार। डाली सीझा भितर आम पोली मान परटार चकटा को तैयारी करने परटापी मुझे गोटे कप मैदा नहीं सहित गोटे कप अटा नहीं पूरा मैदा किंवा पूरा अटा देवी परटा को तैयारी करेंगे। अटा और मैदा को गोटे बड़ जगह को दे दूसरी चकटा इजी हे परटा कलर आसवाई एथे मुझे अधा छोट चामच हल्दी पाउडर दौर बिना हल्दी पाउडर में परटा को तैयारी स्वाद अनुजाई लुण दौर परटा आमर सॉफ्ट हेबो से मुझे 2 चमच रिफाइन तेल देउची। जेहेतु एमें हल्दी पाउडर देचे तेल भी देले से हाथ से भल भाव मिसई नौ सब जिन भल भाव मिसीगला अल्प अल्प पा मिसेक चकटा को प्रस्तुत कर नौ भल भाव पेस्ट करी पूरा पूरी सॉफ्ट होगा पर्यटन चकटी नौ चकटा एम रेडी यहाँ आहुरी सॉफ्ट आउ चिकन करने गोटे चामच रिफाइन तेल लगे नौ अटा चकटा को आउ टे भल भाव सेट होगा अधा घंटापी घोड़े रखि नौ आम प्रेसर कुकर 5टा व्हिसिल आसी गैस को मुझे अफ करी कुकर ऑटोमेटिकली गैस रिलीज होगा छाड़ दे 10 मिनिट पर कभर खोलिकी चेक कर नौ डाली एटी आम बहुत ही सुंदर भाव बहुत ही सॉफ्ट भाव सीझी। एटी डाली आम बहुत ही पानी रही जाइए पानी को बाहर करने एबे आम नेक्स्ट स्टेप को जी पुर बा स्टपिंग को बनवाई सीझे रखि चना डाली को भल भाव छाणी गोटे कड़े को दे दूसरी डाली आम जहाँ भी एक्सेस पानी रही जाइए न फोपाड़ी घरे जो रेगुलर डाली तैयारी हुए से आम यूज कर एबे ही डाली दे मु 250 ग्राम गुड़ दौची बुट डाली जी क्वांटिटी नहींचे से क्वांटिटी गुड़ नहींचे गुड़ जदि कह पसंद ना तो गुड़ जगह आपण मैंने चीनी यूज करेंगे किंतु गुड़ में ही पुरण पोली टेस्ट बहुत ही भल लगी था। गुड़ को ये मुझे भल भाव मिसई ने भल भाव मुझे छेचिकी नहीं गुड़ को ये मेल्ट होगापी एक्सट्रा पा दे दरकार नहीं बुट डाली जहाँ भी पा अच्छी से ही पा गुड़ बहुत ही भल भाव मिसीज गुड़ पाई पुरण बहुत ही पतला हो जाए यही पुरण मोटा होगा पर्यंत कुक करवा मीडियम फ्लेम रे कुक करवा कंटिन्यूसली चला ना तले लग जा बहुत ही चांस अच्छी प्राय 10 मिनिट पर आम स्टपिंग ये मोटा हो आसला एवं एथि फ्लेवर पर मुझे गोटे छोट चामच ग्रीन गुजराती पाउडर दूसरी एथिरे एटा होची जायफल ए जायफल को ग्रेटर में घसिकी मुझे तर पाउडर को 2 पिंच दौर जायफल पुरण पोली टेस्ट बहुत ही भल लगी था। जदि जायफल आपखे स्किप करेंगे खाली गुजराती पाउडर में भी आम स्टफिंग बहुत ही बढ़िया टेस्ट आसो एसबू को भल भाव मिसई नौ 5 मिनिट पर पुरण टेस्ट थिकनेस सठिक आसवापी जानापी गोटे चामच को जदि एमती रखने और चामच जदि आम रही जा ते खसी पड़ूनी तेल आमर स्टपिंग रेडी एवं मुझे गैस को अफ कर नौ आम स्टपिंग को छाणी ने छाणी मुझे गोटे छणा सामतिका स्टपिंग को देखिए गोटे चामच द्वारा छाणी नौ एमतीका छाणी द्वारा स्टपिंग आम पूरा पूरी स्मूथ हेब सफ्ट हेब ए कि भी खदड़िया रही स्टपिंग आम हालका हालका गरम थी से स्टेज्रे छाणी जदि पूरा पूरी थंडा होगापर छाणी तो स्टपिंग पूरा पूरी थंडा होगापर बहुत ही मोटा हो जाए छाणी बहुत ही कष्ट
ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସବୁ ଷ୍ଟପିଂକୁ ଛାଣି ନେଇଛି। ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମର ଅଟା ଚକଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଠି ଆମର ଅଟା ଚକଟା ରେଡ଼ି ଅଛି, ଷ୍ଟପିଂ ବି ରେଡ଼ି ଅଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ କିଛି ଶୁଖା ଅଟା ନେଇଛି। ରୁଟି ସାଇଜ୍ର ଚକଟାରୁ କିଛି ନେଇକି ବଲ୍ ତିଆରି କରି ନେଉଛି। ବଲ୍କୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ବି ତିଆରି କରିବାନି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଥିରେ ଆମେ ଷ୍ଟପିଂକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା। ବଲ୍କୁ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତିକା ବାଉଲ୍ ଟାଇପ୍ର ତିଆରି କରିନେବା, ଯେମିତିକା କି ଭିତରେ ଆମେ ଷ୍ଟପିଂକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଷ୍ଟପିଂକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ଯେତିକି ଅଟାର ଚକଟା ନେଇଥିଲି ସେତିକି ଷ୍ଟପିଂ ନେଉଛି। ବେଶୀ ଷ୍ଟପିଂ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ବେଶୀ ଷ୍ଟପିଂ ଦେବି ଆମର ପୁରଣ ପୋଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଷ୍ଟପିଂକୁ ଏମିତିକା ପୁରାପୁରି ଭଲ ଭାବରେ ସିଲ୍ କରି ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଶୁଖା ଅଟାରେ ବୁଡ଼େଇ ନେଉଛି। ହାତରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ପ୍ରେସ୍ କରି ନେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ତା ଉପରେ ବେଲୁଛି। ବେଲିଲା ବେଳେ ପୁରାପୁରି ହାଲକା ହାଲକା କରିକି ବେଲୁଛି। ଯଦି ବେଶୀ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ବେଲିବା ତ ପୁରଣ ପୋଲି ଫାଟିଯିବ ଆଉ ଷ୍ଟପିଂ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପୁରଣ ପୋଲିକୁ ବେଲିଲା ବେଳେ ହାଲକା ହାଲକା କରିକି ବେଲିବେ। ମୁଁ ଏବେ ପୁରଣ ପୋଲିକୁ ପୁରାପୁରି ବେଲି ନେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର କେଉଁଠି ବି ଫାଟିନି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସେକି ନେବା। ସେକିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାୱା ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତାୱା ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁରଣ ପୋଲିକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ପୁରଣ ପୋଲି ଉପରେ ଟିକେ ଉପର ସାଇଡ୍ ହାଲକା ହାଲକା ଫୁଲିଲା ପରେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଉଛି। ଯଦି ଘିଅ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତାହେଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଘିଅରେ ଆମର ପୁରଣ ପୋଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ପୁରଣ ପୋଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୁରଣ ପୋଲିକୁ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏବେ ଆମର ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ର ପୁରଣ ପୋଲି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିନେଉଛି। ଏମିତିକା ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପୁରଣ ପୋଲିକୁ ତିଆରି କରିନେବା। ପୁରଣ ପୋଲିକୁ ସେକିବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ। ଯଦି ପୁରଣ ପୋଲିକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସେକିବା ତ ପୁରଣ ପୋଲି ହାର୍ଡ଼ ହୋଇଯିବ, ସଫ୍ଟ ଆସିବନି। ଯଦି ଏମିତିକା ପୁରଣ ପୋଲି ବନେଇବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁରଣ ପୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ତିଆରି ହେବ। ଏମିତିକା ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ପୁରଣ ପୋଲିଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିନେଇଛି। ଯଦି ଏଇ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଥର ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ପୁଣି ମୁଁ ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ରେସିପିରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।